गेट लगाओ यहाँ पे गेट लगाओ। सर अभी अभी निकाला, जस्ट अभी निकाला बंदों को बाहर। खड़े हो यहाँ से सारे के सारे, खड़े हो। तो हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो भाई शुक्रिया आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए शॉर्ट्स वीडियो पे। एंड भाई काफ़ी सारे भाई मैसेज करके बोल रहे थे कि लॉन्ग व्लॉग लेके आओ भाई, तो फाइनली लॉन्ग व्लॉग आ चुका है। काफ़ी सारे भाइयों को ना जो हमारी क्रिकेट वाली वीडियोज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एंड कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया क्या अब, लेकिन नहीं भाई छोड़ा नहीं है क्रिकेट खेलना, इसका एक कारण है कि मैं आपको दिखाता हूँ भाई। चलो पहले आपको कारण दिखाते हैं भाई इसका क्या है, क्रिकेट ना खेलने का छोड़ा नहीं है। तो आओ भाई एक मिनट। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, सुबह सुबह रखी थी हमारे यहाँ पे मस्त बारिश। एंड मौसम चेक करो भाई आप, अभी थोड़ी थोड़ी धूप तो है लेकिन भाई सुबह बारिश हो गई थी जिससे काफ़ी राहत मिली। एंड मैं आपको जो कारण बता रहा था वो ये रहा। तो भाई देखो यार, ये सब अपनी ज़मीन है लेकिन भाई इस ज़मीन में अभी पूरी लग चुकी है फसल। एंड वो जो लास्ट वाला खेत देख रहे हो ना, वहाँ पे हम खेलते थे भाई अपना क्रिकेट, आपको पता होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो भाई ये कारण है। एंड नॉर्मली भाई हमारे यहाँ के जितने भी जो भी खेत हैं, जितने भी मतलब लॉन्ग पिचेस हैं, उस सब में भाई आजकल लगी हुई है फसल। आपको पता होगा आजकल फसल का टाइम है अभी जून जुलाई में, तो इसी कारण से भाई हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी खेलने के लिए। एंड नहीं तो हम भी भाई क्रिकेट को छोड़ सकते हैं। भाई आप टेंशन मत करो, मतलब लगभग 6 महीने, हाँ 6 महीने बाद ये फसल कट जाएगी। अब पता है मुझे 6 महीने काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन भाई आज से अगर आप बोलो तो लॉन्ग व्लॉग ज़रूर आएंगे, आप बोलो तो भाई डेली कर देंगे लॉन्ग व्लॉग। भाई 6 महीने वेट कर लो, उसके बाद भाई जो मैंने इस बार शॉर्ट्स वीडियो पे पिच कैसे बनती है, बारिश पड़ गई थी, तूफान आ गया था, जो सभी मैंने शॉर्ट्स वीडियो पे दिखाए थे, अगली बार भाई वो हम कोशिश करेंगे लॉन्ग वीडियो बनाएं एंड उसमें आपको सब कुछ दिखाएं। तो नहीं तो बीच में भी हम वैसे खेलते रहेंगे अगर कोई जगह मिली तो। तो चलो भाई यही कारण था भाई, काफ़ी मैसेज कर रहे थे, मैं सोच रहा था इसका रिप्लाई दूं लेकिन शॉर्ट्स पे मैं दे नहीं पाया, तो इसका यही कारण था मेन। लेकिन अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज शाम को 7 बजे की मेरी ट्रेन है, हाँ भाई। एंड सफ़र कहाँ से कहाँ तक होने वाला है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, आगे बताता हूँ। एंड भाई मेरी शाम को 7 बजे ट्रेन है एंड अभी दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं एंड लगभग घर से हमें 5 बजे निकलना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है घर से स्टेशन, 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है, लेकिन फिर भी भाई अगर जल्दी चले जाओ तो आपका ही फ़ायदा रहता है। एंड अभी करनी पड़ेगी थोड़ी पैकिंग, मम्मा भी जा रखी हैं भाई कहीं बाहर सामान लेने। एंड भाई अभी तो 4 घंटे बचे हुए हैं एंड उसके बाद मम्मा आएगी तो फिर भाई उसके बाद पैकिंग करेंगे एंड मिलते हैं आपको तब। तो फाइनली गाइस मैं तो हो चुका हूँ एकदम रेडी। एंड भाई देखो ये कपड़े पहने हुए हैं मैंने इस टाइम पे, नॉर्मली जो मैं घर पर पहनता हूँ। एंड नीचे मैं डालूंगा ये वाला भाई, क्योंकि भाई पता क्या चक्कर है, देखो स्लीपर की वैसे रिजर्वेशन तो हो चुकी है लेकिन भाई ट्रेन में ना गर्मी तो लगेगी, एसी तो है नहीं है, गर्मी तो लगेगी, इसलिए मैं नॉर्मल ये वाला पहन रहा हूँ। लेकिन मम्मा कह रही है कि एक भारी वाला पहनो। मम्मा ये अच्छा नहीं है सच्ची बताओ ना यार, नहीं पता क्या चक्कर है यार, गर्मी लगी है उसमें मम्मा, बड़ा गर्म है मम्मा यार। सफर में जाना होना तो भाई कम्फर्टेबल ढूंढना होता है, नया वाला क्या करना है, नहीं ले जा लो, पर अभी ये पहन के जाऊंगा यार मैं, पता क्या सही होता है भाई। टाइम देखो 5:30 हो चुके हैं एंड 7:30 बजे की ट्रेन है, मैं जल्दी कर लो फिर जल्दी जल्दी, पता क्या भाई टाइम पे पहुंच जाएंगे ना तो मिल जाएगी भाई, है ना। कभी हमारी वैसे छुट्टी तो नहीं है ट्रेन, लेकिन फिर भी टाइम से पहुंचना जरूरी है भाई, फिर निकलते हैं अभी, है ना। का सीन बताता हूँ क्या हुआ कि हम खड़े थे भाई अपने अड्डे पे एंड भाई बस ही नहीं आ रही थी। इतना देर खड़े होने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि भाई आज छूट गई ट्रेन, भाई पूरी बस ही नहीं आ रही थी। एंड उसके लगभग 20 मिनट बाद बस आई एंड मैं उस पर बैठा एंड मैंने एग्जू ऐप ऑन किया एंड देखा कि ट्रेन कहीं निकल तो नहीं गई, लेकिन भाई अभी जम्मू में है ट्रेन एंड जस्ट अभी पहुँचे भाई हम अपने स्टेशन पर। एंड भाई थक गया भाई मैं तो, मेरे को लगा गया भाई डब्बा गई निकल गई ट्रेन, लेकिन भाई फाइनली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो कुछ ऐसा है भाई वे रेलवे स्टेशन
एंड यहाँ पे हमारी मालगाड़ी लगी हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस स्टेशन में एक फ़िल्म की शूटिंग हुई है। एंड भाई अगर आपको उस फिल्म का नाम पता है तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। चलिए भाई मैं अभी आपको ट्रेन के बारे में थोड़ा बता रहा था तो बता देता हूँ। हेमकुंड एक्सप्रेस भाई जो कि अपने 4:40 पे माता वैष्णो देवी से निकलती है एंड इस स्टेशन पे वो पहुँचती है भाई 7:30 एंड फिर कठुआ, लखनपुर, अम्बाला, जलंधर एंड सहारनपुर से होते हुए अगले दिन सुबह 7:40 में आपको पहुँचा देती है भाई योगनगरी ऋषिकेश। लेकिन हमने तो वहाँ जाना नहीं है, हमने हरिद्वार तक जाना है। एंड बाकी ये था इस ट्रेन का रूट। एंड भाई 7:30 का इस स्टेशन पे टाइम है इसका, लेकिन अभी 7:20 हो रहे हैं और अभी देख रहा हूँ तो मैं 45 मिनट डिले दिखा रहा ट्रेन, तो 45 मिनट लेट है। तो देखते हैं भाई कितने पे आती है, लेकिन जितनी भी लेट हो ये अपना टाइम कवर कर लेती है बीच में भाई भाग के। एंड भाई बाकी पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर, वो बैठे हैं अपने मम्मा, मस्त भाई चिप्स विप्स चल रही है। मेरा यही था कि भाई बस ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, मुझे भाई बड़ी ज़्यादा गर्मी है। तो लो भैया अपनी आ गई भाई हेमकुंड एक्सप्रेस एंड इसमें भाई अपनी S1 कोच है, सीट नंबर 65 एंड 71 अपना होने वाला है। भाई ये जर्नल है, आगे लगे आओ, आगे आगे लगने वाला भाई S1 S3 S1 आगे है, आगे होने वाला भाई अपना S1। चेक दिस आउट भाई, ये रही भाई अपनी 71 एंड ये रही मम्मा की लोअर 65 बैग, ये बड़ा हुआ है मैं रख ले। ओ भाई हीरानगर स्टेशन से अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस का हो चुका है डिपार्चर, आधा घंटा लेट है भाई ये। एंड व्यू चेक करें भाई, ये निकल गई अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस। तो लो भाई अपना हीरानगर के बाद हेमकुंड एक्सप्रेस का फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है जो कि है भाई अपना होम टाउन कठुआ रेलवे स्टेशन। लगभग 8:20 पे पहुंची है भाई अपनी ट्रेन कठुआ रेलवे स्टेशन पे। एंड भाई देखो यार ज़्यादा भीड़ तो नहीं है वैसे इसमें अभी इस टाइम पे। कठुआ रेलवे स्टेशन देखो भाई, कठुआ रेलवे स्टेशन भाई। तो लीजिए भाई अपनी ट्रेन हीरानगर के बाद अपना पहला हॉल्ट पे पहुंच चुकी है कठुआ रेलवे स्टेशन। एंड दिखने में भाई ये कुछ अभी क्या दिखाऊं, रात को दिख तो नहीं रहा वैसे। एंड भाई ये देखो कुछ ऐसा स्टेशन है, पंजाब जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो J&K में सबसे पहला स्टेशन आपको यही मिलेगा, कठुआ रेलवे स्टेशन, एंड इसे आप गोविंद सर भी कहते हैं। एंड बाकी भाई 2 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का यहाँ पे। और तो निकल चुकी है भाई अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस कठुआ रेलवे स्टेशन से, ये देखो कठुआ, बाय बाय कठुआ। ये देखो भाई निकल चुकी है हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस एंड अभी अगला स्टेशन आएगा भाई पठानकोट, जहाँ से मैंने मंगवाया है भाई अपना, ऑर्डर किया मैंने जोमेटो से अपना डोसा, तो उन्होंने कहा है कि आपकी सीट पे मिल जाएगा। पता नहीं पेमेंट मैंने पहले कर दी है, देखते हैं भाई अब आता है नहीं आता, एंड सीट पे मिलेगा उन्होंने कहा था, देखते। बाकी देखो भाई पठानकोट स्टेशनों में ना भीड़ नहीं है, चेक कर रहे हो आप, देख रहे हो भाई बिल्कुल भीड़ ही नहीं आजकल स्टेशनों में, पता नहीं क्या हो गया भाई। पठानकोट स्टेशन तो आ गया भाई अपना एंड ऑर्डर पता नहीं भाई आएगा या नहीं आएगा, बाकी भीड़ चेक करो आप। पार्सल देख भाई, पार्सल आ गया भाई हमारा उस साइड, पार्सल तो आ गया भाई अपना।
साइड पार्सल दे दिया। अभी देखते हैं भाई अपना आया। ये भाई साहब मेरा भाई अपना मसाला डोसा। प्राइस की बात करें तो भाई 150 रुपीस का पड़ा। तो देखिए भाई अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस का लगभग 2 मिनट का हॉल्ट था पठानकोट स्टेशन पे, एंड निकल चुकी है भाई अपनी ट्रेन। अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस में निकल चुकी है अपने पठानकोट स्टेशन से। 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे, एंड अपना ऑर्डर भी आ गया। अभी भूख नहीं लग रही, दिखाता हूँ भाई मैं आपको कैसा है अंदर से। इसका भाई प्राइस 150 रुपये है। आप जब इग्जीगो से टिकट बुक करते हो ना तो नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा फूड ऑर्डर इन ट्रेन एंड जोमेटो से। आपको अगर इस रूट पे आप मंगवाते हो तो सिर्फ पठानकोट में ही मिलेगा भाई। ना फाइनली डोसे का रिवील करने जा रहे हैं हम, कैसा टेस्ट है इसका भाई 150 रुपये में। ये भाई अपना सांभर, भाई ये अपना सांभर एकदम अच्छा लग रहा है भाई ऊपर से तो देखने में। बिल्कुल मिर्ची विर्ची डाली हुई है, तेल वाल बिल्कुल ओके लग रहा है ऊपर से तो। भाई डोसे की बात की जाए तो यहाँ पे आप, मैंने तो एक ही डोसा मंगवाया था लेकिन इन्होंने शायद काट के उसको दो कर दिया है। लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई साइज़ में, देखो भाई नॉर्मल छोटा सा ही है। 2 पीस दिए हैं भाई, पेट नहीं भर सकता मेरा तो, नहीं भरेगा इससे। बाकी अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि है कैसा है। ये हमारी अपना काफी बढ़िया है भाई यार। दसवीं से 9 नंबर भाई मेरे। ओके भाई अपना खाना पीना तो हो चुका है, अब मैं तो जा रहा हूँ सोने। एंड अभी भाई रात को कुछ दिखाने लायक तो है नहीं अभी, अगर इसको भी भाई जगदम से मेरे सीट के ऑपोजिट एक बंदा बैठा हुआ था, एंड एक 2 पुलिस वाले आए एंड भाई जगदम से उसे उठा दिया एंड उसकी चेकिंग करने लग पड़े। शायद उनको शक हो गया था कि भाई उसके पास ड्रग्स व्रग्स हो सकते हैं। एंड भाई मैं खुद हैरान हो गया, अगर बंदे के पास वैसे निकला कुछ नहीं, अगर निकल जाता ना तो फंस जाना था भाई बंदे ने, एकदम गलत वाला गंदा वाला फंसना था उसने। एंड भाई अभी स्टेशन आया भाई अपना जलंधर सिटी, साइड से दिखाता हूँ भाई। या भाई अपना जलंधर सिटी वाले डब्बे में हो लेना, यहाँ से खड़े हो लो और उधर हो लो गेट पे, सारे के सारे खड़े हो, जो खड़े हो बैठो ना यहाँ से आराम से खड़े हो सारे। जगह ना मिले पीछे गड्डी खाली आ रही है उसमें आ जाना, रुको ना रास्ते में खड़े हो जो। चलो भाई यार अपना सहारनपुर स्टेशन आ गया, एंड भाई जितने भी भीड़ थी भाई सभी हो भाई निकाल दी गई है। तो भाई अभी आपने देखा अम्बाला से अपने डिब्बे पे भाई फुल भीड़ हो गई थी, मतलब जर्नल के बराबर हो गया था भाई अपना डिब्बा। एंड मेरे सीट में भी काफ़ी बंदे बैठ गए थे, एंड मैंने उनको बोला कि भाई किस्मत अच्छी है आपकी कि टीटी नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ी एक बंदा भी आ रहा था ना तो टीटी जगदम से आ रहा था। तो मैंने भी बैठने दिया, लेकिन जैसे ही सहारनपुर के पास पहुंची ट्रेन तो भाई टीटी आ गया एंड सबको बाहर। गेट लगाओ यहाँ पे, गेट लगा दो भाई, गेट लगा दो, पार जाना होगा ना इन्होंने। चलो बस हो गया, ला भाई गेट अपना लग चुका है। तो भाई अभी थोड़ा कम हुआ है रश भाई अपने डब्बे से, नहीं तो भाई पूरा जर्नल बना दिया था भाई स्लीपर को। ला कर दो। तो अभी थोड़ा देखो भाई थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूरा रश बना दिया था यार। पता क्या है, टीटी भाई ने बोला है कि लॉक कर लो भाई सारे दरवाजे क्योंकि भीड़ चढ़ सकती है। भाई 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 स्लीपर है सर। अभी निकाला, जस्ट अभी निकाला बंदों को बाहर। टीटी ने मना किया, स्लीपर है वैसे बैठ सकते हो, बाकी टीटी आ जाएगा।
टिकट है आपके पास? जनरल जनरल यार बंदे ना ऑब्जेक्शन करते हैं भाई। देखो बंदे ना जर्नल की टिकट लेके स्लीपर में चढ़ रहे थे। सहारनपुर स्टेशन आ चुका है लगभग 4:40 पे भाई। अपनी ट्रेन सहारनपुर स्टेशन पे पहुंच चुकी है अपने ऑन टाइम से भाई। अपने ऑन टाइम से लगभग 10 मिनट की डिले है, 10 मिनट लेट है ट्रेन भाई अपने ऑन टाइम से। एंड ये देखो भाई अपने कांवड़िया कैसे भाई देखो खिड़की से टांग के ले जा रहे हैं वो भगवान जी का। भाई अभी भी उजाला नहीं हुआ है एंड ये हाल था भाई अपना सहारनपुर स्टेशन का। बाकी तो गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो भाई आप? तो फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई ज्वालापुर स्टेशन पे एंड 6:15 पे पहुंची थी लेकिन अभी 6:45 हो रहे हैं। हम खुश थे कि जल्दी आ गई लेकिन भाई आधा घंटा रोक दी ट्रेन को जिसकी वजह से भाई पूरी कमी पूरी होगी। एंड ये आ गया अपना हरिद्वार। रुक जाओ यार उतरने दो पहले, पहले उतरने दो सवारी ने, उतरने दो यार उतरने दो पहले, बच्चे ले आड़ा आगे ले, चल चलो 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 कोई नहीं उतरेगा ले आ खाली हो गया। एक साथ ही चढ़ गए भाई। लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 18वें हॉल्ट पे जो कि है भाई रायवाला जंक्शन। एंड भाई हमें यहीं पे उतरना था। हाँ स्टार्टिंग में मैंने व्लॉग में बोला था कि भाई हरिद्वार उतरेंगे लेकिन भाई कुछ सीन हो गया कि हमें यहीं पे उतरना पड़ा। तो ये रही भाई अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि अपने चल रही है भाई, जा रही है अपने ऋषिकेश की तरफ एंड हम तो उतर चुके हैं यहाँ पे। एंड अम्मा एंड भाई परसों की हमारी दोबारा से ट्रेन है वापस, अभी हरिद्वार भी जाना है नहीं तो परसों की हमारी वापस ट्रेन है भाई जम्मू की। एंड बस एक दिन का ही था ये सफ़र जो था। तो यहीं पे भाई ये ट्रिप ख़त्म होती है। तो आप वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो। एंड भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।